फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल का हलवा। इसके लिए हमें चाहिए चीनी 2.5 कटोरी, कटे हुए काजू बादाम 1 कटोरी, ये हमें चाहिए देसी घी 2 चम्मच, डालडा घी 3 चम्मच, 1 गिलास दूध, और ये हमारे पास है मूंग की दाल का पेस्ट। दो कटोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें डालेंगे डालडा घी 2 चम्मच, अब इसमें डालेंगे हम काजू बादाम, इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। हम इसको थोड़ा निकाल लेंगे अलग बर्तन में। हमने काजू बादाम तल लिए हैं और हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसमें हमें डाल दिया है 2 चम्मच डालडा घी। हम इसमें डालेंगे मूंग की दाल का पेस्ट। ये हमारा 2 कटोरी मूंग की दाल का पेस्ट है, हम इसमें डाल देंगे। हमने सुबह भिगो के रख दी थी और हमने इसको मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा पीसना है इसको, और हमें ये डाल दिया है। हम इसको भी अच्छे से घी के साथ मिक्स कर देंगे। हमने मूंग की दाल के पेस्ट को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। हम गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर लेंगे। इसको भून रहे हैं मूंग की दाल के पेस्ट को घी के साथ। हम इसमें 1/2 कटोरी घी और डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। हम लो फ्लेम पे मूंग की दाल के पेस्ट को घी के साथ भून रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा थोड़ा सा भून चुका है। अब इसमें हम 1 कटोरी घी और डाल देंगे। देसी घी डाला है हमने 1 कटोरी। हम इसको भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। हम इसको भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और ये हमने करीब हमें 20 मिनट हो गए हैं इसको भूनते भूनते, 20 मिनट तक इसको भूनना है। थोड़ा सा और इसको भूनेंगे। ये 1 घंटे के बाद हमारा ये मूंग की दाल का पेस्ट घी के साथ अच्छे से भून चुका है। हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। देखिए ये गोल्डन होने तक हमने भूना है, इसमें हम 1 गिलास दूध डाल देंगे। दूध को दाल के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हम इसमें 1 गिलास दूध और डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
देखिए हमने दाल के पेस्ट में दूध मिक्स कर लिया है। हम इसको मिक्स अच्छे से चला लेंगे ताकि हमारा दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। एक कटोरी चीनी, हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा ये 20 मिनट के बाद ऐसे भुन गया है और हमने इसमें अब 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। देखिए हमारा गोल्डन हो गया है। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे ऊपर से। देखिए फ्रेंड्स हमने अब ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अभी हमारा हलवा बनके रेडी हो चुका है। इसे बनने में कम से कम 1 घंटा लगा है। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर।